हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। दरअसल रिसर्च में बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ होते हैं और इन वेरिएबल्स का मीनिंग क्लियर होना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वो सभी स्टूडेंट्स जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो कि PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर UGC नेट रिसर्च और एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन टर्म्स का मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज मेरे साथ आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कैटेगरिकल वेरिएबल। कैटेगरिकल नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि क्या करता है, कैटेगरीज में डिवाइड करता है किसी चीज़ को। सो दीज आर द वेरिएबल्स दैट कैन बी पुट इन टू द कैटेगरीज। जैसे कि आप किसी टूथपेस्ट ब्रांड का एग्जाम्पल ले लीजिए, टूथपेस्ट ब्रांड को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोलगेट हो गया, एक्को फ्रेश हो गया, पतंजलि हो गया, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। तो अगर हम किसी वेरिएबल को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको कैटेगरिकल वेरिएबल कहा जाएगा। कैटेगरिकल वेरिएबल जो है इसको हम सिर्फ नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल में ही मेजर कर सकते हैं। नॉमिनल स्केल क्या होता है, जब हम नंबर देते हैं किसी चीज़ को, 1, 2, 3। मान लीजिए कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को जो रोल नंबर मिलते हैं वो रोल नंबर क्या होता है, नॉमिनल स्केल होता है। ऑर्डिनल स्केल का मतलब क्या है, रैंकिंग देना। रैंकिंग जैसे कि आप कहो कि रोल नंबर 5 क्लास में फर्स्ट है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हमने क्या दे दिए, रैंक दे दिए। तो जो कैटेगरिकल वेरिएबल होगा उसको सिर्फ हम नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल में ही मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास दो कैटेगरीज हैं, कोलगेट एंड एक्को फ्रेश, दो टूथपेस्ट हैं, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि कौन से टूथपेस्ट ब्रांड फर्स्ट है, कौन सा टूथपेस्ट ब्रांड जो है वो सेकंड है। कभी कभी कैटेगरिकल वेरिएबल को हम नॉमिनल वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कन्फाउंडिंग वेरिएबल। कन्फाउंडिंग वेरिएबल का मतलब क्या है, अगर आप बेसिक देखें ना वेरिएबल्स की टाइप, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल ही होते हैं। बाकी वेरिएबल जो हैं उनको अलग अलग बेसिस में हम डिफाइन करते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, पहले हम इन्हीं दोनों को समझ लेते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है किसी चीज़ का। अगर मैं कहूँ स्मोकिंग के करने से आपको लंग कैंसर हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए। दो वेरिएबल्स क्या है, एक वेरिएबल हमारा हो गया स्मोकिंग और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास लंग्स कैंसर। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये एक वेरिएबल है, लंग कैंसर दूसरा वेरिएबल है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, लंग कैंसर हो जाता है। जो इफ़ेक्ट है, लंग कैंसर क्या हो गया, इफ़ेक्ट हो गया। किसका इफ़ेक्ट हुआ, स्मोकिंग का इफ़ेक्ट। तो जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर मैं कहूँ सेल के होने से कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और सेल हमारा क्या हो जाएगा, सेल जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी चीज़ का कारण होता है, कॉज। सेल के होने से प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो एक कॉज है, एक कारण है। किसका कारण, प्रॉफिट का कारण है। तो हमारी सेल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होकर नेट के एग्ज़ाम में आते हैं।
कि कौन सा वेरिएबल है जिसको हम मैनुपलेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट दी जाती है, वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी वेरिएबल को मैनुपलेट करेंगे, इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट और हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दो मेन वेरिएबल्स होते हैं हमारे, डिपेंडेंट जो कि इफेक्ट है, दूसरा है इंडिपेंडेंट जो कि कारण है, कॉज है किसी चीज़ का। हमेशा आप ये स्मोकिंग और लंग कैंसर वाला एग्जांपल याद कर लीजिएगा, स्मोक करेंगे तो लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्मोकिंग है उसकी वजह से कैंसर हुआ, स्मोकिंग के अलावा बहुत सारे और फैक्टर हो सकते हैं जिससे कि हमारा लंग कैंसर हो। जाने कि मान लीजिए स्मोकिंग के करने से हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, स्मोकिंग के करने से बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो टिश्यू का डैमेज होना एक अनदर फैक्टर आ गया, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है। तो इस फैक्टर को हम मीडिएट फैक्टर कहते हैं, जो कि दो चीज़ों के बीच में क्या बनता है, मीडिएटर बनता है, ठीक है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, कन्फाउंडिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा अगर आपकी स्टडी में कोई भी और वेरिएबल आते हैं जो कि आपके रिजल्ट को इफ़ेक्ट डालेंगे, स्मोकिंग तो एक फैक्टर है ही है, स्मोकिंग के अलावा कोई और फैक्टर है जिसके कारण लंग कैंसर हो रहा है, तो उसको हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल कहेंगे। दीज आर दी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स दैट हैव द हिडन इफेक्ट। इनका क्या होता है, हिडन इफेक्ट होता है हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के ऊपर, हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। इसलिए जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। तो जो आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, तो वेट गेन आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसके अलावा हो सकता है कि पर्सन की एज ही ऐसी है कि उस एज में वेट गेन होगा ही होगा, तो एज जो है वो आपका कौन सा वेरिएबल आ गया, कन्फाउंडिंग वेरिएबल। याद रख लीजिएगा, एक डिपेंडेंट है, दूसरा इनडिपेंडेंट है। जो बीच में कोई वेरिएबल आता है जिससे आपकी स्टडी, आपका रिजल्ट इफेक्ट हो रहा है, दैट इज़ योर कन्फाउंडिंग वेरिएबल। अब कन्फाउंडिंग वेरिएबल को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क में, आप जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसको रैंडमली सेलेक्ट कीजिए, इससे कन्फाउंडिंग वेरिएबल जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोड्यूस द कंट्रोल वेरिएबल टू कंट्रोल कन्फाउंडिंग वेरिएबल। यू कैन कंट्रोल फॉर एज बाय ओनली मेरिंग द 30-year-old। आपने अपनी स्टडी को लिमिट कर लिया कि सिर्फ हम 30 साल तक के लोगों के ऊपर ही हम स्टडी करेंगे, तो आपने कन्फाउंडिंग वेरिएबल को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल जो हैं वो क्या होते हैं, उनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब चलता रहना। तो कोई ऐसा वेरिएबल जो कि चलता रहता है, इनफाइनेट होता है नंबर में, उसको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आपकी एज, इनकम, वेट, ये सारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट डिपेंडेंट कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया हमने, एक और आ गया इंटरवेंटिंग वेरिएबल। ये हो गया हमारे मीडिएटर्स जो होते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल, अ फैक्टर इन एन एक्सपेरिमेंट विच मस्ट बी हेल्ड कॉन्स्टेंट। कोई ऐसा फैक्टर हमारी स्टडी में, कोई ऐसा वेरिएबल हमारी स्टडी में जिसको, जिसके ऊपर हम कंट्रोल रखेंगे
तो ही हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो यूज़फुल रिज़ल्ट आएंगे, वैलिड रिज़ल्ट आएंगे। ऐसे वेरिएबल्स को कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन वेदर लाइट मेक्स प्लांट ग्रो फास्टर, यू वुड हैव टू कंट्रोल फॉर दिस सॉइल क्वालिटी एंड द वाटर। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे हम देखना चाहते हैं कि लाइट का प्लांट के ग्रोथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। एक वेरिएबल हो गया हमारा लाइट, दूसरा वेरिएबल हो गया प्लांट की ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसके अलावा कुछ और वेरिएबल्स भी होंगे जो कि आपकी स्टडी को इफ़ेक्ट करेंगे। वो कौन से वेरिएबल्स हो गए? हमारे कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। अगर हम कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि सॉइल की क्वालिटी, वाटर, हर टाइम जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हम कॉन्स्टेंट रखें, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे। डन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जिनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ नोन एज द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स।